अरे हमारे जवानी सा कीड़ा पूजे तो हुए नहीं पर गवा पूजे सब फोर पर खसा बेरा मिल भू जी दादी की सालिया छोटी कूदते थे पूरे दिन रहे करते थे। तो हे गाइस कैसे हैं आप सब, होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जुयाल एंड फैमिली में। तो आज हम जा रहे हैं अपने पुराने अड्डे पे खिल, और मेरे साथ जा रहे हैं ये सारे बच्चे, और अभी और भी लोग आ रहे हैं पीछे। तो हमने कहा तब तक हम आधे लोग चलते हैं, आधा रास्ता कट जाएगा और बाकी लोग आ रहे होंगे। लम खा लो। रिदु तू क्या लेके आई है थैले में? सिद्धू है वो, सिद्धू पानी और यस हो जाएंगे सबके लिए। पहली बात तो ये है है खिलाना छा आ जाना सगी आज नहीं। तो संडे पड़ी तो संडे जाना था तो चला। अरे यार अभी घर के काम काज बिस्तर हुस्तर सब पैक करनी है। पैक करनी कपड़ा शपड़ा सब कोई बात नहीं। अच्छा छह महीने के बाद फिर दोबारा नवंबर है। नवंबर में दोबारा आएंगे पुजाई में। बिल्कुल 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 ईड़ा पूजे तो हुए नहीं पर गवा पूजे तो हुए नहीं पर है। कोई बात नहीं वो सब ऊपर वाले का है। चला तब हम काट ला रास्ता, खतरनाक हुई रास्ता भी। अभी बच्चा पार्टी देखो, ये पिछले साल की जो बच्चा पार्टी थी मेरी वही आ रही है मेरे साथ। है हिसोले बाद में खाएंगे हिसोले, अभी नीचे रोले में भी है। चलो आदू अदरक की तरह कूटो आदू को, इस हिसाब को देखो। तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं यहाँ, रोला में पहुंचने वाले हैं, और बच्चे बड़े धीरे धीरे आ रहे हैं। तो मैंने कहा तुम आराम आराम से आओ, मैं तब तक आगे का व्यू आपको थोड़ा बहुत दिखाता हूँ। तो गाइस वैसे यहाँ रोला तक का ब्लॉग में मैंने आपको दिखा दिया था, ये सारे शारे जो हमारे थे खेत जहाँ धान वगैरह लगती थी वो सब दिखा दिया, और रौला तक का ब्लॉग तो मैंने दिखा रखा है। बट आज मैं दिखाऊंगा आपको खिल वाला ब्लॉग जहाँ हम गाय वगैरह लेके जाते थे, और बचपन की बहुत सारी यादें हैं वहाँ पे। वैसे मैंने पिछले साल भी ब्लॉग दिखाया था बट वो सही से नहीं बन पाया, शुरुआत का था। तो अभी ये देखो आने देता हूँ सबको। अभी देखो सारे बच्चे आ रहे हैं। मेरा फोन दोस्तों देखिए चाचा किसोरे तोड़ने जा रहे हैं, और देखिए कितने भुज्जों में जा रहे हैं। और किसोरे तोड़ने जा रहे हैं, नीचे भी जा रहे हैं, अभी तक पहुंचे नहीं। देखिए किसोरे तोड़ रहे हैं, बस का लमांचु पड़ी है, आंच पड़ी है तेज। वो चाचा है और यहाँ पार्टी हो रही है, स्टोरेज फुल हो रही है। तो ये गाइस जैसे बचपन में हम लोग ना पान के पत्ते में रख के खाते थे, तो ऐसे ही हिसोले ये इसमें रख के खा रहे हैं अभी, बहुत टेस्टी होता है। फूल गया है, सांस फूल रहा है चढ़ाई में। यहाँ से देखिए हमारा गाँव, वो ऊपर से आए हैं, सांस भी फूल रहा है। एक हाथ दिखाता हूँ कैसे आ रहे हैं ये सब, देखो फिसलन हो रखी है क्योंकि यहाँ पड़ा हुआ है पिरुल, ये जो चीड़ के पत्ते होते हैं उसको पिरुल बोलता है। ये देखो रिदु तू साफ करती जा, एक दराती लानी चाहिए थी तेरे को, है ना। अभी हम पहुंच चुके हैं भुदगुलियों में, इस जगह का नाम है भुदगुलियों क्योंकि यहाँ पे ये जो पेड़ अभी बड़े बड़े हो गए हैं, पहले ये बहुत छोटे छोटे पेड़ थे। हैं भुदगिले थे, ये हमारे भाई साहब सुनील जुयाल, ये पेड़ आज से लगभग आप मान लो 15 साल पहले बहुत छोटे छोटे थे, 15-20 साल पहले, 15-20 साल तो हम लोग यहाँ गाय बकरी चराने आते थे, बहुत मजा आता था, यहाँ पे खेलते थे कूदते थे पूरे दिन वहीं पे रहते थे, बहुत मिस करते हैं। देखो आंसू आने लग गए इसके बिल्कुल, फिर रो रहा है ये। अरे नहीं सही है। ये वाला जो पेड़ आपको दिखाई दे रहा है मुझे लग रहा है ये 100 साल से भी पुराना है, क्योंकि जब से हम आए हैं तब से ऐसी है, और यहाँ मिट्टी लेने आते हैं। सुनील भाई आपको बताएंगे मिट्टी के बारे में। माटा खांड
ये है बितरले पर खेल एक जैसा माटो हां पहले जो है ना ज्यादा मटे ख्याल से कोड लेके पूरा बॉल पड़ गया अब तो माट वो के बोल दे मोल नहीं मिलनो तो माटा ले के मिलन माटा कमी नहीं है हां माटा कमी नहीं मोल नहीं मिलनो तो हां वही था ये देखो अब आई मजा है अब आ गई मजे से दो रास्ते हैं हमारे गांव के दीदी भुल्ली जो भी देखेंगे उन्हें याद आएगी अपने बचपन की तो ये वाला जो ऊपर वाला रास्ता जा रहा है वो ढीसा बट जा रहा है और ये नीचे वाला ये खिल जाएगा वहां से सीधे खेड़ा रोला और ये गाय जो आपको दिखाई दे रहा है ये हमारे नेपाली भाई है तो इनको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है इसका इसको बोलते हैं लीसा जो कि बहुत काम आता है गम के और चूड़ियों के बहुत कुछ बनता है इससे ये देखिए सारे पेड़ों पे इन्होंने लगा रखा होता है और इन्हें मिलता है कॉन्ट्रैक्ट पूरे साल का ये देखो तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं खिल और यहाँ खिल ना हो के अब हो गया घनघोर जंगल ये देखो कभी यहाँ पे एक भी पेड़ नहीं हुआ करते थे है रे कितने साल बाद आ रहा है भाई कम से कम 10-12 साल है तो पहले डाला दिखाया है वही था आप देखा तुम क्योंगा और ये भाई साहब यहाँ से जाते थे खेड़ा रोला और वहाँ है बकरा चराना कौन कितना घनघोर जंगल हो चुका है यहाँ पे पेड़ ही पेड़ हो गए हैं और कभी यहाँ पे एक भी पेड़ नहीं हुआ करता था और आज देखो भाई साहब पहले ना यहाँ पे एक भी पेड़ नहीं होता था पता है और यहाँ पे ये जो जगह है यहाँ पे एक चौकोर सा बना होता था और यहाँ पे हम खाते थे दिन में रोटी और मतलब कभी चावल दाल वो सब लेके आते थे फिर बाद में चाचा ने आके पेड़ उगा दिए हाँ। नहीं पेड़ खुद ही उगे हैं चीड़ के और ये मेरे पुराने साथी हैं सार्थक रिद्धू सिद्धू और ये दोनों नहीं आए थे पिछली बार इस बार आए हैं सिद्धू रिद्धू मिद्दू पीछे से भी आ रहे और ये आ रहे हमारे जवाई साहब जवाई साहब जो पहली बार आ रखे हैं ईड़ा गांव पहली बार ही आ रहे हो और ये आ रही है हमारी पुत्री जो पुत्री जिस पुत्री पे शादी से पहले आवाज नहीं थी आपका पता नहीं ये पूरा एरिया जो आपको दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं खिल और यहाँ से ये रास्ता जा रहा है खेड़ा रोला जो कि जहाँ हम बहुत पहले जब यहाँ आते थे तब जाते थे और वो सामने जो गांव आपको दिख रहा है ये नेगी एंड फैमिली का है वो जो उधर दिख पेड़ों की वजह से दिखाई नहीं दे रहा सही से ये अभी आग लगने की वजह से ये जो आपको दिखाई दे रहा होगा ना ये आग से जले हुए हैं क्योंकि यहाँ पे ना लोग पता नहीं कौन आग लगा देते हैं तो गाइज पिछली बार जब हम लोग आए थे अभय अर्पित अमन तनु वगैरह तो वो नीचे जो आपको पत्थर दिखाई दे रहा होगा वो ब्लॉग जरूर आपने देखा होगा तो वो वहीं है बट इस बार हम जा नहीं पा रहे क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं और अभी हम जा रहे हैं ठुलगेरी यहाँ से जो ये जगह का नाम है ये है ठुलगेरी और हम तीनों ही आए हैं क्योंकि बच्चे हैं छोटे और यहाँ रखा पिरूल दुनिया भर का तो इस वजह से हम लेके नहीं आए हैं खड़ा रोला है और वो जो नीचे आपको दिखाई दे रहा है वहाँ उस जगह का नाम है खड़ा रोला बापता गांव का खड़ा रोला बापता गांव पैण बलोखी बटाणु से कम आना जग पहल सही सही बनी छकी मेघालय देखो ये 10 घंटे तक सोचने वाला काम नहीं करना है मैं बताऊंगी ऐसे बोलो चलो मैं चुप रह ऑस्ट्रेलिया हो गया
क्या खेल रहे हो? एटलस। हैं? एटलस। क्या होता है उसमें? उसमें मतलब पहले हम ए से बोलेंगे कोई जगह का नाम, फिर उसके आखिरी में जाएगा दूसरी टीम, उससे कोई बोलेगी। ये गिर गया देखो, अच्छा हुआ तो गिर गया देख, ये बहुत शैतानी कर रहा है। चला दी तू आगे, चल चला आजा, ये देखो इसको मतलब आदि, चल चल अब आगे चल, इधर से चल। अबे क्या बोला इसके, ये नटखट है ना, नटखट है ये, एक ये कन्हैया है जो छोटा सा कन्हैया है, ये नटखट कन्हैया। चल आजा अब घर चलते, मन नहीं कर रहा घर जाने का आदू? चल मैं तेरे को आदू की तरह कूट दूंगा, नहीं तो जल्दी आ चल। अरे ये भाई साहब लगे हैं फोन पे, चल चल अभी तो फोन भी लगे, मैं तो वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो में भी फोनी से चाचा फोन कर रहे हैं, ऑफिस का काम कर रहे हैं, छुट्टियों में भी। ये पत्ता जो है ना, इससे टैटू बनता है, इसको टैटू वाला पत्ता बोलता है। तो ये देखिए मैं वैष्णवी के हाथ पे मार वैष्णव, ये देखिए, तो ये टैटू बन गया। हम इसे मेहंदी वाला बोलते थे क्योंकि हमें पता ही नहीं होता था उस टाइम पे टैटू भी कुछ होता है, तो हम बोलते थे मेहंदी वाली पत्ती। मनु कैसे लग रही है तेरे को? मस्त मस्त। ये कह देते कि वैसे पत्ते वाले टैटू कहता हूँ। चल है क्या क्या लेके जा रहा तू? मिटता ही है वो, चलता नहीं है। ओए बैठ जाओ रे थोड़ी देर यहीं पे, थोड़ा हवा के मजे लेते हैं, चल चल। जीजा जी की सालियां छोटी छोटी। ये फायदा होता है बच्चों की तरह सालियां छोटी छोटी। मगर देख डिजाइन बढ़िया है, लगा दे पीछे देख, ध्यान से ध्यान से दिखाना। मेरा भी बन गया, मैंने खुद से बनाया। तो गाइज अभी हम पहुंच चुके हैं बप्ता धार में, यहाँ पे जो जगह है उसको बोलते हैं बप्ता धार। और यहाँ से देखिए हमारा गांव तलखाली दिख रहा है अभी तो। तैयार की बुद्धि ऊंचा, तैयार की बुद्धि ऊंचा एक आटा छीम भैंस कुंड डाली के एक आटा भैंस कुंड रही दिया था पूल पैंट चार ना तो इन्हें एक आटा पहुंचे दे नवंबर मानी चूल कखड़ कखड़ लगे दे वक्त कखड़ बुद्धे अब हाथ थोड़ा पुकड़म बुद्ध है अरे वो डिस्वाला था वो शानदार कखड़ बंदी वक्त पहला था पोर पर खेल से बेरा मिल भू मिल वाले चार थोड़ा पुकड़ खेल वो बुद्ध होला अब कखड़ बुद्ध होला आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तो बाय बाय।